अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं इश्तियाक अली। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। हमारे नुमाइंदे राना आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसम रियाज वाहला ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ की सरबराही में जारी 3 रोजा जश्न बहारा फेस्टिवल कामयाबी से जारी रहा। फेस्टिवल को कामयाब बनाने के हवाले से दीगर मुतल्लिका महकमों के साथ साथ महकमा सिविल डिफेंस की तरफ से इंस्पेक्टर बिलावल अली, मोहम्मद शरीफ बाजवा, शबीर अहमद और दीगर पर मुश्तमिल खसूसी बम डिस्पोजल टीम ने भी सिक्योरिटी के हवाले से अपने फ़रज़ सर अंजाम दिए। फैज़ अहमद फैज पार्क के मरकजी गेट पर हर आने वाले शख्स की मुकम्मल तलाशी का सिलसिला जारी रखा गया और वजीर डिस्पोजल टीम की तरफ से वक्फे वक्फे पार्क के अंदरूनी और बैरूनी मकामात की मुकम्मल स्वीपिंग की जाती रही। डी और सिविल डिफेंस नारोवाल ने मजीद बताया, इसके साथ टीम फेस्टिवल में आने वाले शहरियों को शहरी दिफा की अहमियत और अफादियत के बारे में भी आगाही कर रही है। डीसी नारोवाल की जानिब से महकमाना फ़राइज़ अहसन तरीके तंदही से अंजाम देने पर सराहा गया।